नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुगर पेशेंट्स में जो मर्दाना कमजोरी आ जाती है, जो सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, उसको हम कैसे दूर करें। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं शुगर पेशेंट जो हैं उनके, वे पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। उन्हें बहुत तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसके लिए वे उसके समाधान के लिए वे मैसेज करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल शुगर पेशेंट्स के लिए होने वाला है, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो मैं स्पेशल जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ। हमारे देश में शुगर के पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में हैं और इन सभी को लगभग 80 से 90% लोगों में सेक्सुअल समस्याएँ आती हैं, सेक्सुअल वीकनेस आती है। जो हमारा शुगर का लेवल बढ़ता है, उसके बढ़ जाने से हमारे शरीर में अनेक तरह की कमजोरियां आती हैं, उनमें एक सेक्सुअल कमजोरी भी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 3 दवाई आपको बताऊंगा और ये तीनों दवाई शुगर पेशेंट्स में आने वाली सेक्सुअल वीकनेस के लिए बहुत ही बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है। अगर आप इन दवाइयों का लगातार 2 से 3 महीने तक सेवन करते हो, तो आपकी सभी प्रकार की सेक्सुअल कमजोरी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जब मैं सभी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम कहता हूँ, तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन यानी शीघ्र पतन और नपुंसकता, दोनों प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। खासकर यही समस्याएं शुगर के पेशेंट में आती है। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज के साइड इफ़ेक्ट के कारण नपुंसकता आ गई है, तो उसमें ये औषधियाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उसके साथ साथ अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या है, तो उसमें भी ये औषधियाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आप में बहुत अधिक आपके मन में काम की इच्छा होती है, सेक्स की इच्छा होती है, लेकिन आपका पेनिस उसमें आपका साथ नहीं देता, तो उस समस्या में भी ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुख्य 3 होम्योपैथिक औषधियाँ जो इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 3 औषधियों के बारे में। तो दोस्तों, शुगर के पेशेंट की सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहली और सबसे मुख्य औषधि है साइजीजियम जंबोविलम। जी हाँ दोस्तों, इस औषधि का चित्र भी मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखा देता हूँ। साइजीजियम यह औषधि जामुन से तैयार की जाती है। जो जामुन का फल होता है, उसका गूदा और उसका बीज, उससे यह औषधि तैयार की जाती है और यह डायबिटीज़ के पेशेंट की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करती है। और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक तरीके से यह रामबाण औषधि है, अमृत के समान काम करती है। तो इस औषधि को आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस हो गई है डायबिटीज़ की वजह से। इस औषधि को लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यह आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेके आनी है, मदर टिंचर यानी 0 पोटेंसी में आप इसको ले आएँ और इसकी 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम आप आधे कप पानी में डाल कर लेंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, शुगर पेशेंट की सेक्सुअल वीकनेस के लिए दूसरी और मुख्य होम्योपैथिक औषधि है एसिड फोस मदर टिंचर। इसका फोटो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, आप ठीक से उसको देख लीजिए। एसिड फोस मदर टिंचर भी आपके शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है, हर तरह की शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। सेक्सुअल कमजोरी को तो दूर करती है, उसके साथ साथ आपके शरीर का जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो आपके शरीर में नसों का जाल है, उसको एक तरह की मजबूती प्रदान करती है और आपकी जहाँ पर नसें कमज़ोर हो गई हैं उनको ये पूरी तरीके से ठीक करती है। अगर शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से नसों की कमजोरी है, तो उसको पूरी तरीके से ये ठीक करती है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए डायबिटीज़ के रोगियों में एसिड फोस सबसे बेहतरीन दवाई है। इसको सीजीएम के साथ साथ भी आप ले सकते हैं, तो इन दोनों दवाइयों को आप साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एसिड फोर्स मदर टिंचर को लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जब बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तीसरी सबसे अच्छी होम्योपैथिक औषधि है जिनसेंग। जिनसेंग जो मैं मेरे पास यहाँ पर मदर टिंचर इसका यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है आपको इसमें ठीक से दिखाई ना देता रहा हो, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर उसका फ़ोटो दिखा दूँगा। जिनसेंग मदर टिंचर के रूप में लेना है, इसको भी आप 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों समय लें तो बहुत ही अच्छा काम करती है जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनकी सेक्सुअल वीकनेस में और शरीर में किसी भी तरह की थकावट। अगर आप थोड़ा चलते हैं और थक जाते हैं, अक्सर देखा जाता है जिनको डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, उनके शरीर में थकावट पैदा हो जाती है, वे थोड़ी दूर चलते हैं तो थक जाते हैं, तो वो समस्या भी जिनसेंग से आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक आपके शरीर में एक नया जोश आएगा इस दवाई से। तो आप ये तीनों दवाई जो मैंने आपको अभी बताई हैं, टॉप 3 होम्योपैथिक दवाई हैं डायबिटीज़ के लिए, तो इन तीनों दवाइयों को आप साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन तीनों दवाइयों को जब आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इन तीनों दवाइयों में लगभग लगभग 30-30 मिनट का गैप रखें, यानी पहले एक दवाई लें, फिर 30 मिनट बाद दूसरी, फिर 30 मिनट बाद तीसरी। इसी तरीके से आप तीनों समय ये दवाई लीजिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें सेक्सुअल वीकनेस की जो ट्रीटमेंट होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप ऐसा ना करें कि आपने 8-10 दिन ये दवाई ले ली और आपको लगा कि इनसे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप ये दवाई बंद कर दें, क्योंकि वैसे अगर कोई पेशेंट होता है उनमें बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलता है होम्योपैथिक दवाइयों का, लेकिन शुगर के पेशेंट में थोड़ा लेट असर दिखाई देता है। तो आप ज़रूर इसको लगातार लेते रहें, जब आप इसको एक महीने से ऊपर हो जाएगा लेते हुए तो आपको इसका असर दिखाई देगा और ज़रूर इसका असर दिखाई देगा और ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। उसको आप लगातार 2-3 महीने तक इस्तेमाल करें तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप अन्य किसी विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसी विषय पर अपना वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी दर्शकों का मैं पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।